प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग और व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है खाने के साथ हम देसी के व्लॉग जो है उसमें खाना ना हो ये तो हो ही नहीं सकता खाना आप लोग भी ना देखें ये तो हो ही नहीं सकता मज़ा ही नहीं आता यार अगर खाना ना दिखाएँ तो मैं बना रही हूँ जी दोपहर का खाना और कल मैंने वैसे सब्जियाँ ख़रीद ली थी लेकिन रात को मैंने दाल बना ली थी तो जब दाल बन गई तो फिर मैंने कहा भी कोई आज सब्ज़ी बनाने की कोई ऐसे तुक नहीं बन रही क्योंकि दाल मेरे से अच्छी खासी क्वान्टिटी में बन गई थी तो मैंने कहा साथ में चिकन हांडी बना लेते हैं तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा दाल के साथ ये वाला सही रहेगा कॉम्बो इन कल सब्ज़ी बनाएंगे तो अभी मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया उसको मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया धो लिया अच्छे से प्याज को मैंने किया लाइट ब्राउन उसके अंदर मैंने डाल दिया जो चिकन ब्रेस्ट और बस अब इसको अच्छे से सॉटे करेंगे और फिर उसके अंदर एज़ यूजल बहुत सिंपल सी मेरी रेसिपीज़ होती हैं तो इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे जो चौके जाएगा ये सब कुछ तो इसमें नमक जाएगा कुटी हुई मिर्चें जाएंगी रेड चिली पाउडर जाएगा हल्दी जाएगी ज़ीरा पाउडर जाएगा और सूखा धनिया जाएगा मोटा मोटा कुटा हुआ सही है जी एक तो मैं बिल्कुल पाउडर बना लेती हूँ एक में थोड़ा सा मोटा मोटा कूट कर रखती हूँ एक में जैसे वो होता है जिसको हम सिलवट्टे में हल्का सा इतना क्रश करते हैं कि वो बस बीच में से सेंटर से अलग हो जाता है स्प्लिट हो जाता है तो इन हर एक चीज़ का अलग फ्लेवर आता है पाउडर का अलग फ्लेवर है कुटे हुए का अलग फ्लेवर है और वो जो स्प्लिट हो जाता है उसका अलग फ्लेवर है तो ट्राई करिएगा हर एक चीज़ का अलग ज़ायका निकल कर आता है तो जब मसाले डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए मैंने उसको इधर से उधर लेफ्ट एंड राइट किया मिस इस ने इसके अंदर गार्लिक जिंजर एंड टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया है और बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर करूँगी कवर कर दूँगी और स्लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी कुक होने के लिए टमाटर प्याज़ अदरक लहसन मसाले ख़ुद बहुत कुक हो जाएंगे और लास्ट में हम इसकी भुनाई करेंगे ठीक है जी सो so, कवर करके मैंने इसको रख दिया है मीन वाली किचन के जितने काम होते हैं वो मैं कुकिंग के दौरान कर लेती हूँ हालांकि इतनी श्दीद वाली गर्मी है यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ लास्ट तीन चार दिन से तो ऐसे है जैसे सूरज बिल्कुल नीचे आया हुआ है और उसका जो पूरा कहते हैं ना जो है ना वो ओमान पे स्पेशली मस्कत में बहुत गर्मी है जी बहुत गर्मी है तो है जी इसको मैंने कुक करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है मीन मैं चम्मच चलाती रहती हूँ ये नहीं कि मैं रखकर भूल जाती हूँ चलते फिरते चम्मच चलाते रहें चेक करते रहें कहीं आंच आँच को तेज़ करना है तेज़ कर लें स्लो करना है स्लो कर लें रख कर भूल ना जाए इसको अटेंशन रख दें जितनी इसको ज़रूरत है तो मैंने इसमें सूखी मेथी और गरम मसाला भी ऐड कर दिया था और झटपट वाली चिकन हांडी जो हो गई है तैयार साथ में दाल बनी हुई मूंग मसूर की वो खाएंगे साथ में मैंने बाहर से रोटी ऑर्डर करनी है है तो वो तुर्किश ब्रेड है लेकिन एक टेस्ट सेम लाइक पाकिस्तानी नान कुलचा उस तरह का फ्लेवर आता है तो ये हो गई है रेडी और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था तलाहाबाद पर और वो भी आ गया है तो ये आ गई हैं जी हमारी रोटियाँ स्पेशली सॉरी नान आ गए हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये शेप इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है लेकिन टेस्ट ये सेम 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 नान के जैसे करता है पहले मेरा दिल था कि मैं खुद ही घर में बना लूँ नान फिर मैंने कहा छोड़ो यार क्या इतनी मेहनत करनी है खली वली वाइट से मंगवाते हैं और खा लेते हैं इतनी क्या टेंशन है क्योंकि गर्मी इस कदर ज़्यादा है कि अगर आप कुछ भी करने जाते हैं तो हेड टू टो आप फुल स्वेट हो जाते हैं और फिर आपको उलझन होती है और फिर शावर लेना दिन में दो दो तीन तीन बार तो पॉसिबल नहीं होता तो फिर मैंने कहा बाइट से नान मंगवा लेती हूँ और खाना रेडी कर लेती हूँ दाल पड़ी है कल के लेफ़्ट ओवर राइस भी पड़े हैं तो जो उसमें को खाना होगा वो खा लेंगे वैसे तो ये जो नान है इट्स माई वेरी फेवरेट मैं अक्सर ज़्यादा मंगवाती हूँ अभी भी मैंने आज भी ज़्यादा मंगवाएं हैं बाकी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ जब दिल करता दिलकर निकालें गर्म करें और इसको यूज़ कर लें तो ये जब मैं अपने लिए प्लेट रेडी कर रही हूँ तो मैंने आज ट्रे के अंदर ही सोचा कि ट्रे के अंदर ही सब कुछ क्लेर कर देती हूँ क्योंकि हस्बैंड को आने में काफ़ी टाइम है काफ़ी ज़्यादा टाइम है आज उनको लेट हो जाएगी तो मैंने कहा मैं खाना खा लेती जब वो आएँगे उनको भी सर्व कर देंगे तो दिस इज माई प्लेट जिसके अंदर चिकन हांडी है हाफ मैंने नान लिया है क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में तो मैंने हाफ नान लिया है थोड़ा सा मैंने रायता लिया है ज़ीरे वाला और थोड़ी सी प्याज लिया दस सेट तो ये मेरी एक फुल जॉइंट साइज प्लेट है जिसको मैं इंजॉय करने वाली हूँ मज़े से खाने वाली हूँ तो चलें खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा सो so, जी खाना खाकर काफ़ी देर मैं यहीं पर लेटी रही मैंने रेस्ट किया और खाना खाकर सोना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैंने कहा चले थोड़ा आराम करते हैं साथ में कोई रैंडम सा ड्रामा था जियो पर जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा वही घसी पी स्टोरी है और बहुत ही फजूल था लाइक मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं जाकर तैयार हो जाऊँ क्योंकि मुझे जाना है रात में एक पार्टी पर जाना है इट्स ईद एट पार्टी आई नो ईद को गया काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन उन्होंने बोला कि हमने सोचा था कि ईद गुजरने के बाद हम आराम से एक प्लान करेंगे डिनर तो मुझे वहाँ जाना है अच्छा ये छुटे हैं विक्टोरिया सीक्रेट के मिनी परफ्यूम्स इसमें बॉमशल है और पता नहीं कौन कौन से हैं मैंने वैसे कभी विक्टोरिया सीक्रेट के परफ्यूम्स यूज़ नहीं किए बॉडी स्प्रे मैंने बहुत यूज़ किए हैं लेकिन कब मैंने परफ्यूम नहीं लिए क्योंकि मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं उतने में कोई भी एक अच्छा परफ्यूम आप ले सकते हैं अच्छा यहाँ ओमान में विक्टोरिया सीक्रेट अच्छा खासा महंगा है बाकी कंट्रीज़ में अगर यूरोप साइड पर जाएँ तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है तो अच्छा ये हस्बैंड गए थे एक दो दिन मॉल तो वहां से वो इसका पूरा ये सेट लेकर आए थे इट वॉज वेरी ब्यूटीफुली पैक्ड और एक बहुत अच्छे बॉक्स में था ये फोर का सेट तो मैंने कहा ये चार अच्छे हैं छोटे साइज़ में आ जाते हैं चार डिफरेंट फ्रेग्रेंसिस आ जाती हैं तो आपको वैरायटी मिल जाती है यूज़ करने में तो चलें थैंक्स टू हस्बैंड कि उनको लगा कि उनको मेरे लिए ये ख़रीदना चाहिए अच्छा जी मुझे जाना है वहाँ पर उसके लिए मुझे तैयार होना है तो जा तो मैं एक कुमानी फैमिली के घर ही रही हूँ तो इसलिए पहनना तो अब आया ही है लेकिन ये है कि यू कैन ओपन योर हेयर और आप स्कॉ हल्का सा ले सकते हैं क्योंकि लेडीज़ का अलग सेक्शन होता है आदमियों का अलग सेक्शन होता है उमानी दावतों पर जब भी आप जाते हैं तो मैंने क्या किया मैं तो वैसे कल मैंने अपना शावर लिया था बाल धोए थे तो मैंने अभी उन्हीं को ही रिटच करना है तो मैंने पहले तो ड्राई शैम्पू लगाया है मैं वो आपको दिखा देती हूँ वैसे ये मैंने सीरम लगाए हैं एक ये सीरम लगाया कैरेटिन ताकि अभी मैं बालों को कर्ल्स करूँ तो मेरे बालों में थोड़ी तो सी शाइन आ जाए साथ में स्प्लीटेंस का ये सीरम लगाया है तो मैं हेयर केयर रूटीन पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूँगी इन जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो सारे उसमें बता दूँगी तो आज एक लाइफ कहते हैं ना लाइफ सेवर आ गया है वो है दिस ड्राई शैम्पू इससे पहले मैंने लाइफ में कभी भी ड्राई शैम्पू यूज़ नहीं किया था बिकॉज आई डोंट लाइक सच प्रोडक्ट्स कि आप इनके शॉर्टकट्स यूज़ करें उससे आपका स्कैल्प ऑयली हो जाता है उस पर एक अलग से एक तहसी जम जाती है लेकिन दिस ड्राई शैम्पू इज़ अमेजिंग तो इसको जब मुझे कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं यूज़ करती हूँ फ्रिक्वेंटली मैं इसको यूज़ नहीं करती लाइक like, कभी कभार कब भी कबारे ब्लू मून जैसे कि आज एकदम से प्लान बना के कहीं पर जाना है इतना टाइम नहीं था कि मैं शावर लेती बाल ड्राई करती फिर ब्लो ड्राई करती फिर कर्ल्स करने हैं वो करती तो बहुत टाइम चला जाना था तो सिर्फ मैंने रूट्स पर मैंने ड्राई शैम्पू किया ताकि जहाँ पर ऑयल हो वह ख़त्म हो जाए हल्का सा मैंने खुद को बालों को मैंने कर्ल्स किया एंड दिस इज़ माई लुक आई एम वेरिंग अबाया तो मैंने बालों को कर्ल किया है और बिल्कुल आई मेकअप मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है शिमर में और गोल्ड में मैंने आई शेडोज लगाए हैं हल्का सा मैंने अपनी वाटर लाइन को किया है जी पेंसिल से बेज पेंसिल से हल्का सा मैंने उसको लाइन किया है ढेर सारा मस्कारा लगाया है रेड लिपस्टिक लगाई है और अब मैं फुली रेडी हूँ घर से जाने के लिए अच्छा जी तो हस्बैंड आने वाले हैं और ये मुझे मैं उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जा रही हूँ लेकिन मेरे पास कोई अच्छा गिफ्ट बैग नहीं है तो रास्ते से रुककर मुझे वो भी लेना है क्योंकि ये कारफूर के थैले में गिफ्ट्स जाते हुए अच्छे नहीं लगते तो हस्बैंड आ चुके हैं तो घर से निकलूँगी और फिर जाकर सबसे पहले मैं लूँगी जी कोई अच्छा सा गिफ्ट बैग लूँगी एक दो उसमें सारे गिफ्ट्स को ट्रांसफ़र करेंगे और हस्बैंड जो थे वो आ गए थे अभी वो टायर की हवा वगैरह चेक करवाने गए थे तैयार होकर वो भी निकल गए थे अभी टायर चेक करवा कर फ्यूल करवा कर फुल तो वो पहुँच चुके हैं जी मेरे दरवाज़े पर तो चलें जगह से निकलते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ सो so, जी रास्ते में बैग पिक किया लिए मैंने दो बैग्स ख़रीदे उसमें मैंने सीधा ट्रांसफ़र किए उसके बाद हस्बैंड को एक जगह रुकना था अपना कुछ काम ख़त्म करना था क्योंकि आठ बजे सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ पर ऑफिसज़ वगैरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं लेकिन कर्फ्यू नहीं होता तो हस्बैंड वहाँ पर रुके अपना काम फ़िनिश करने के लिए मैं गाड़ी में उनका वेट कर रही हूँ और उनका यह काम करना ज़रूरी था क्योंकि फिर आपको पता है कि काम लंबे हो जाते हैं अगर टाइम पर ना किए जाएँ तो तो अभी जी हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पर हमें आना था एंड दिस इज़ अ वेरी फ़र्स्ट टाइम इस फैमिली से मिल रही हूँ मेरे हस्बैंड के ये बहुत पुराने दोस्त हैं जो उनको काफ़ी टाइम बाद मिले हैं तो इसलिए उन्होंने हमें इनवाइट किया तो मैंने कहा चले मैं भी चलती हूँ और दूसरी बात ये थी कि ये जो फैमिली है दिस इज़ बलोची फैमिली लाइक like बलोशी बलोची आई उन्होंने क्या बोलते हैं तो वो उर्दू अंडरस्टैंड भी करते हैं और उनको उर्दू आती भी है तो इसीलिए आपको ऐसी फैमिली से मिलकर ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि उर्दू अंडरस्टैंड करते हैं और आप उर्दू में बात भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे तो मनी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती तो इसलिए फिर मैं आ गई अदरवाइज़ अगर मुझे बिल्कुल प्योर उमानी फैमिली में जाना पड़े तो मैं नहीं जाती क्योंकि जब आप बात नहीं कर सकें किसी दूसरे से तो फिर वहाँ जाने का भी मज़ा नहीं आता कुछ समझ ही नहीं आती एक दूसरे की तो इधर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि दे अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज और वो भी उनको भी उर्दू आती है तो अच्छा हो जाएगा तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई केम टू दिस सोसाइटी एंड दिस सोसाइटी वॉज ब्यूटिफुल दिस इज़ वेरी नेक्स्ट टू मस्कत हिल्स और मैं कहती हूँ क्या खूबसूरत जगह थी कि मैं आपको बता नहीं सकती बहुत ही अच्छी जगह पर लोकेटेड आई है तो so, चले जी हम चलते हैं अंदर अंदर जाकर व्लॉग नहीं हो पाएगा तो इस व्लॉग को यूपेंट कर देती हूँ आपसे मिलूंगी कल टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफि स्टे ब्लेस स्टे हेल्दी स्टे पॉजिटिव